आज मैं आप लोगों को एक अपने ड्राइव स्टूडेंट से मिलवा रहा हूँ जो अभी मई 2018 के सीए फाइनल न्यू सिलेबस में 31 रैंक लेके आई है ये लखनऊ से हैं एंड इनका जो आर्टिकल शिप है वो मुंबई में चल रही है इनको बहुत बहुत धन्यवाद कि ये एक दिन के शॉर्ट नोटिस पे लखनऊ से यहाँ आई कॉन्ग्रेचुलेसन वान्या आज आप लोगों को वान्या कुछ गाइड करेगी कैसे इन्होंने प्रिपरेशन की कितने दिन इन्होंने लीव ली लि थी ऑफिस से ये सारा चीज़ आपको एक एक करके गाइड करेगी तो आप बताइएगा ऑफिस से कितने दिन का लीव मिला था लीव so, मुझे के लिए, से में। में आपने कर लिए। हाँ okay. तो आप बता सकती हो एग्जामिनेशन टाइम में

Okay, हो पाती है कि हाँ, वैसे मतलब आता है मुझे थोड़ा वैसे मैं इस पॉइंट पे क्लास में भी कहता हूँ अब मुझे नहीं आइडिया कि आपने उस नोटिस किया है नहीं मैं जब भी कहता हूँ कि फिफ्टीन मिनट में अगर किसी को किस क्वेश्चन को पिक करना है पहले किसको फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी देना है वो तभी हो सकता है क्योंकि आपका टेन पेज ट्वेल्व पेज का आपका क्वेश्चन पेपर होते हैं उस केस में आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे कि कौन सी क्वेश्चन में क्या है क्योंकि पूरा क्वेश्चन आप पढ़ नहीं सकते हो तो मेरा स्ट्रेटेज होता है क्या पहले रिक्वायरमेंट को अंडरलाइन करो स्टार्टिंग से ही हर क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट को अच्छा हाँ, वही हाँ, किया था अच्छा, वही हाँ, मैं भी सुनना चाह रहा था आपसे कि 15 मिनट्स में आप क्या कीजिए सबसे पहले क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट है उसको ऑनलाइन कीजिए ऑनलाइन करते माइंड में रिकॉल हो जाता है कि क्या क्या कॉन्सेप्ट हमने क्या अच्छा से पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है तो उस तरीके से हम आप चाहे तो उसको प्रायोरिटी वाइज फाइंड आउट कर सकती एक और चीज़ जैसे अभी इनफॉर्मली हम लोग की बात हो रही थी तो बच्चे को मैं नॉर्मली कहता हूँ कि आप अपना एक समराइज़ नोट्स बनाइए ताकि आपको एग्जामिनेशन के एक डे पहले जो होगा वो फुल्ली रिवाइज कर पाओ आज मैं उन्होंने एक जब ऐसे ही बात हो रही थी मैं पूछ रहा था कि समरी बनाया नहीं इन्होंने एक नया चीज़ मुझे बताया कि समरी नहीं बना पाई ये क्योंकि इनके पास टाइम का कमी थी ये ज़्यादा टाइम दे नहीं पा रही थी क्योंकि टाइम का शॉर्टेज था तो इन्होंने क्या किया अभी आप, आप बताओ ज़्यादा <laughs> अच्छा है इस केस में यानी कि ये एक न्यू टेक्निक बता रही कि बिना समराइज नोट्स बनाए हुए भी आप लेस ड्यूरेशन में आप रिवाइज कर सकती है मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा था इनका बताओ जी uh, मैंने एक्चुअली क्या किया था जैसे सर सर की आदत क्या है पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं वो कॉन्सेप्ट लिखते हैं तो हम साथ में कॉन्सेप्ट लिख रहे होते हैं तो हम, मैंने क्या किया था कि एक रजिस्टर मेरे कॉन्सेप्ट का अलग था उसमें कॉन्सेप्ट के अलावा कुछ भी नहीं था जैसे सर ने लिखा एज इट इज मैं वैसे ही लिख देती थी कॉन्सेप्ट्स देन सर क्वेश्चन पे आते थे क्वेश्चन की मेरी एक अलग कॉपी थी उसमें मैं कैसे भी गंदा साफ कैसे भी कट्स ये वो करके मैं करती थी बट मेन उसमें क्या था कि दोनों मेरे रजिस्टर्स पेज नंबर थे मैंने हाथ से पेज नंबरिंग की हुई थी एंड देन आई यूज टू हैव अ थर्ड रजिस्टर जिसमें मैंने एक जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कोई टॉपिक है कॉडिक्स का टॉपिक है या कोई भी टॉपिक है तो उस टॉपिक के अगेंस्ट मैंने थियोरी जो मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है वो उसका पेज नंबर का जो मुझे मुझे करना है, तो एक तरह से से कि पे कौन कौन करने हैं। सिंपली कह सकते हैं आपने इंडेक्स का समरी बना लिए मुझे क्या क्या पढ़ना है कौन सी पॉइंट पे कौन सी पेज पे करना है क्योंकि वो पूरा नोटिंग कर नहीं सकते उस चीज को तो आपने पेज नंबर रेफर इंडेक्स बना समरी ऑफ इंडेक्स कह सकते हैं चलो बहुत अच्छा ये बहुत न्यू पॉइंट था और मुझे भी बहुत अच्छा लगा जिसके पास टाइम कम हो आप कुछ मत करो मेन रजिस्टर का पेज नंबर रेफर कर लो कि एग्जामिनेशन टाइम में आपको क्या क्या चीज पढ़ना है वही एक आपका समराइज नोट्स हो जाएगा जो लेस टाइम में आपको रिविजन करके दे सकता है हाँ बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये जानना चाहते होंगे कि आपने किस पेपर में क्या स्ट्रेटेजी रखा है क्योंकि कुछ थेरी पेपर होते हैं कुछ प्रैक्टिकल पेपर होते हैं तो सब में अपना अपना स्ट्रैटेजी होता है तो आपका क्या स्ट्रैटेजी रहा है एफ में जी बिल्कुल सर Uh, जैसे मेरा एफ uh, में ये स्ट्रेटेजी रहा था मैंने प्रवीण सर की क्लास की थी तो उनके जो नोट्स थे वो अपने में सेल्फ सफिशेंट थे बिकॉज वो कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर कर रहे होते थे क्लास में एंड uh, जो उनकी बुक रहती थी दैट वाज ऑलमोस्ट अ कंपाइलेशन ऑफ आर इंस्टीट्यूट मटेरियल सो हमें इंस्टीट्यूट की मटेरियल को देख के जैसे हमें डर लगता है जनरली हमें पैनिक आता है बिकॉज मुझे बहुत आता था उसको पैनिक उसको देख के पैनिक बहुत आता था सो so, मैं uh, प्रवीण सर की बुक ही रेफ़र करती थी और जो उन्होंने कॉन्सेप्ट्स बताए होते थे मैं उसका एक इंडेक्स टाइप ऑफ प्रिपेयर कर लेती थी ऐसा मैंने हर सब्जेक्ट मतलब हर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लिए किया था कि मैंने उसका एक इंडेक्स uh, बना लिया था कि ये ये मुझे पर्टिकुलर टॉपिक है और ये ये क्वेश्चन मुझे करने हैं सो so, मुझे ये रहता था कि मैं उन पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर एक दो बार भी देख लूँगी तो सॉर्ट ऑफ मेरा रिविजन भी हो जाता था बिकॉज आई डेंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर क्लासेज एंड आई डेंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर रिविजन जैसे कि लोग कहते हैं सी ए फाइनल में थ्री और फोर रिविजन इज़ अ मस्ट and and which which is I also recommend very very great if if you 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 are capable of doing that that but have less time want to crack in रास्ता हर चीज का होता है ऐसा नहीं है और एस एफ एम अगर आ जाए तो सर एस एफ एम लिया मुझे आप आई थिंक फेवरिरी में क्लास ली हाँ मैंने थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूँ इन्होंने पेन ड्राइव खरीदा था और स्टार्टिंग में कहीं क्लास भी ली थी नाम उसके लिए तो हम नहीं बताना पसंद करेंगे लेकिन हाँ बट इनको मेरे लेक्चर्स तक पहुँचने में बहुत मेहनत करना पड़ा था और शायद इनका डिसीजन सही ही रहा होगा तो बहुत अच्छा डिसीजन था वो मेरा एस एफ एम में इन्होंने सेवेंटी फोर एंड कैपिटल मार्केट में सेवेंटी फाइव लेके आए हैं वैसे इनको ज़्यादा बेटर पता है कि हम मैं कैसे पढ़ाता हूँ और क्या इसको अच्छा लगा उस वीडियो में ये ज़्यादा अच्छा गाइड करेगी तो एस एफ एम के लिए कुछ बताना चाहोगे आपका जो बेस्ट yeah, एक्सपीरियंस रहा uh, जैसे कि सर ने बताया कि मैं सर तक बहुत मुश्किल से आई थी बिकॉज uh, मेरी आर्टिकल शिप मुंबई में थी एंड वहाँ पे आई फाइंड अ टीचर जो मेरी जितनी जो मेरी कैपेबिलिटीज़ है ये जो मेरा एप्टीट्यूड है उसके उसको मैच कर पाए सो आई स्टार्टेड सर्चिंग तभी मैंने ऑलरेडी क्लास कर रखी थी बिकॉज बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड सो मैं यूट्यूब पर स्क्रोल कर रही थी एंड आई यूज टू रिसर्च कि कौन से टीचर है या क्या है एंड देन आई केम अक्रॉस सर सो उनका उनका जो मुझे बेसिक स्टाइल जो बहुत पसंद आया था उसमें ये था कि सर यूज़ टू टेल कि कोई भी चीज़ क्यों हो रही है बिकॉज वी कु आइडेंटिफाई एस एफ ए में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये फाइनल में ये आती है कि क्यों कोई चीज़ हो रही है ये मेन बहुत एक क्रक्स पकड़ने की ज़रूरत होती है एंड देन सब लोग कहते हैं इट इज़ स्कोरिंग इट इज़ स्कोरिंग बट फिर भी हम उतना स्कोर नहीं कर पा रहे बिकॉज वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि हम कहाँ पर लाग कर रहे हैं क्या इम्प्रूव होने की जरूरत है तो कैसे आपने प्रिपेयर कैसे करी कैसे रिविजन की एस uh, एफ जब मुझे आपके लेक्चर्स मिले थे तो uh -huh. so मैंने उसको पहले ध्यान से एनालाइज किया कि लेक्चर्स एक्चुअली है क्या

एंड mm -hmm. उसमें जो कैलकुलेटर ट्रिक्स है सर के उसको मैंने लिख लिया कि हाँ मतलब मुझे वो आगे के चैप्टर्स में यूज तो आने ही वाले हैं जैसे सर भी स्ट्रेस देते उस पे तो बहुत स्ट्रेस दिया मैंने कि कैसे करना है देन uh, मैं उसके बाद मैंने जितने भी टाइम वैल्यू रिलेटेड चैप्टर्स जैसे कि पोर्टफोलियो हो गया बॉन्ड वैल्यूएशन mm -hmm. हो गया ये सब इंटरलिंग चैप्टर्स हैं मैंने ये उठाया okay. जब मुझे लगा कि मुझे एक बार ग्रिप आ रहा है इस पे mm -hmm. तब तो मैं फॉरेक्स और देन उसके बाद लास्ट में मैंने ये सोचा कि मेरे पास टाइम कम है क्योंकि तो मैं अगर फ्यूचर्स डेरेवेटिव ऑप्शन लास्ट में करूँगी mm -hmm. तो मुझे फ्रेश भी रहेगा वो एग्ज़ाम तक और मेरा वो थोड़ा ये रहेगा कि मेरा बाकी का बर्टन कम हो चुका है पढ़ के एंड रही बात रिविज़न की और साथ में पढ़ने की तो जैसे सर मैंने फ़ॉर एग्ज़ाम्पल एक टाइम वाले को लेक्चर देखा तो नेक्स्ट डे मैं लेक्चर स्टार्ट करने के डेडिकेटेडली पहले ऐसे डेडिकेटेडली मैंने दो घंटा या एक घंटा उस पूरे लेक्चर को अपने हिसाब से अपने स्टाइल से रिवाइज़ किया कि मुझे कैसे याद रहेगा वो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है तो उससे मेरा रिविजन भी हुआ और मैंने देख भी लिया एक बार लेक्चर और कुछ प्रॉब्लम आया किसी क्वेश्चन में या किसी में तो तो मैंने वापस देख लिया तो सब कहते हैं कि ज़रूरत होती है तो मैंने रिविजन भी किया और पढ़ भी लिया तो एक और चीज़ मेरा जो कोशिश रहता है कि जो थियरी है उसको प्रैक्टिकल से लिंक करते रहे जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे इर्द गिर्द कैसे वो यूज हो रहा है चाहे वो स्टॉक मार्केट के रिलेटेड हो चाहे डेरिवेटिव के रिलेटेड हो चाहे म्यूचुअल फंड हो सारा तो हो सकता है उससे इंटरेस्ट भी आते होंगे हाँ एक चीज़ मैं और बताना चाहूंगी मैंने एक्चुअल में लाइव ट्रेडिंग या कभी कुछ नहीं किया बट जो सर ने जितना अपने क्लास में बताया जो मैंने पेनड्राइव लेक्चर में देखा दैट वॉज मोर देन सफिशियंट फॉर मी बिकॉज ऑलरेडी मैं इतनी ज्यादा बिजी थी मेरा शेड्यूल इतना जैम जैम्पैक्ट था कि मैं ट्रेडिंग के लिए टाइम निकालू एंड देन आई हैव टू डिवोट अ सेपरेट फ्रेम ऑफ माइंड उसके लिए सो आई वॉज नॉट रेडी फॉर दैट और मैं कभी स्टूडेंट को सजेस्ट भी नहीं हाँ करता मैं कभी नहीं कहता कि ट्रेड करो क्योंकि आपको जो ट्रेडिंग से सीखना है मैं तो ट्रेड करके सिखा ही रहा हूँ ना आपको बट वहाँ से आप एक्सपीरियंस गेन कीजिए कोई ज़रूरी नहीं होता है कि हर चीज़ खुद के एक्सपीरियंस से सीखा जाए बहुत बार होते हैं कि दूसरे को देख के भी हम सीखते हैं तो मेरा कोशिश रहता है कि ट्रेडिंग करने के लिए उतना टाइम स्टूडेंट के पास होते नहीं हाँ फिर भी अगर हो तो डेरिवेटिव में अगर कॉल पुट का ट्रेडिंग कर लिया जाए तो थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ जाता है yeah. अगर टाइम हो तो मैं इस बात में बिल्कुल अग्री करूँगी सर से और एस मैंने मेरी जो एस में स्ट्रैटेजी थी वो बहुत अलग थी बिकॉज आई हैड ओनली थर्टी डेज इन माई हैंड मुझे उसमें पता था कि मुझे पूरा एस एफ एम फ्राम स्क्रैच पढ़ना है बिकॉज मैंने एस एफ एम बिल्कुल नहीं पढ़ रखा था चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो इन्होंने फेबररी में वीडियो बाई करके के मे में, में अटेम्प्ट देती है और उसके बावजूद भी सेवेंटी फाइव मार्क्स लाती बहुत अच्छी आपका ऑडिटिंग में बहुत अच्छा मार्क्स मार्क्स है यस सर ऑडिटिंग में कैसे पढ़ी थी आप ऑडिटिंग में ऑडिटिंग को भी मैंने काफ़ी कम टाइम दे पाई थी मैं ऑल uh, दो मेरा आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस पूरा ऑडिटिंग से ही था अच्छा स्टिल मैंने पढ़ाई बहुत कम की ऑडिटिंग की uh, मैंने आई थिंक फेब एंड में उसके लेक्चर्स मंगवाए थे रवि टावरी सर के सो so, उसके बाद जो उनका मटेरियल था एंड डी थी सो उस में ही व्हाट ही डिड वाज कि उन्होंने एबीसी करके ऐसे पूरा शॉर्ट लिस्ट कर रखे थे सारे चैप्टर्स को एंड मैंने क्या किया कि मैंने ऑब्जर्व किया कि क्वेश्चंस कि आ किस सकते हैं कंपनी ऑडिट्स आ ही सकते हैं कारों से आ सकते हैं एंड प्रोफेशनल एथिक्स ये तीन मेन हैं एंड देन एस एस क्योंकि काफी लंबे होते हैं एंड उनको पूरा पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है जो उसके मेन क्रक्स या जो मेन वो कहना mm -hmm. चाह रहा है ऐसे मेन मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की एंड देन ऑल दो हमारे में प्रैक्टिस मैनुअल नहीं था न्यू uh, सिलेबस ne, में बट वॉट आईट इट वॉज कि मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया पूरे प्रैक्टिस मैनुअल का चैप्टर वाइज का जब भी फॉर एक्जाम्पल कंपनी ऑडिट पढ़ रही हूँ तो मैंने उसका भी क्या किया चार्ट बना लिया जल्दी से कॉपी में कि ये ये मेरा फ्लो रहेगा कंपनी ऑडिट में एंड देन उसमें क्या क्या रेलिवेंट क्वेश्चन है जो मैं मुझे देखने बिकॉज अगर मैंने एक एक दिन पहले क्वेश्चन देखे हैं तो अनडाउटेडली मुझे लैंग्वेज क्वेश्चन की याद आने वाली कि मैं आंसर में क्या लिखूंगी बिल्कुल बिल्कुल सो मेरी वो स्ट्रेटेजी थी कि मैं बस वो लाइंस पिक करूं और मेरा लॉजिक सही बैठ जाए उधर स्टडी मैट पड़ी थी हाँ चलो बहुत अच्छा लॉ कैसे प्रिपेयर किए लॉ का भी पेन ड्राइव ली थी हाँ लॉ की भी मैंने पेन ड्राइव ली थी लॉ की अब मैंने दर्शन खरे सर की बट लॉ में एक चीज़ थी कि मैंने इसको बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया था और मैंने थोड़ा सेल्फ स्टडी करने का स्टार्ट किया था तो मैंने सर के लेक्चर्स थोड़े यूट्यूब पे देखे दैन मैंने पेन ड्राइव ऑर्डर की उनकी और उसके बाद जो उनकी बुक थी और जो स्टडी मटेरियल था इसमें मैंने स्टडी मटेरियल जरूर रेफर किया था ओके स्टडी बिकॉज मुझे ऐसा डाउट आ रहा था कि क्योंकि ये न्यू सिलेबस है तो मे भी कुछ चेंजेस हो लॉ mm -hmm. में मेरा एक बहुत स्पेशल फोकस था कि मैंने NCLT और ट्रिब्यूनल और जितने भी रिमूवल ऑफ कंपनीज ये न्यू चैप्टर्स आए थे तो मैंने सोचा कि डायरेक्टर्स ऑल दो बहुत बड़ा है mm -hmm. और मेरे पास टाइम भी नहीं है इतना करने का तो मैंने पहले ये छोटे चैप्टर सारे अच्छे किए देन मैंने अलाइड लॉ पूरे किए उसमें भी मैंने सबसे पहले आईबीसी किया बिकॉज आईबीसी एक अपकमिंग एरिया है तो इंस्टीट्यूट ऑब्वियसली उसमें एक्सपेक्ट कर रहा है हमसे यानी कि आपका स्ट्रेटजी हर पेपर में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का था जैसे हम लोग मार्केट में कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखो कितना रिस्क है कितना रिवॉर्ड हाँ है यानी कि आप पहले देखते हो कि इसमें कितना टाइम डिवोट करना है कितना हाँ हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ उसका रेलिवेंस है हाँ क्योंकि हमेशा मैं क्लास में भी बच्चों को यही कहता हूं कि आप देखो जिसमें कम टाइम देना है और जिसमें ज्यादा हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल हो उसको हाँ पहले फोकस करना चाहिए लेकिन कुछ स्टूडेंट यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं ये तो डिफिकल्ट है पहले तो हमें ये कर लेना है वो इजी तो हम बाद में कर लेंगे और वो करने के लिए टाइम बचते नहीं है और डिफिकल्ट जितना कर लिए जितना टाइम किया, उतना आपका हो नहीं पाया वाली है, बिल्कुल सही लेकिन जो है हो सकता हम उसे थोड़ा भी पढ़ के और इजी बना ले हमें दोनों चीज को देखना चाहिए एग्जामिनेशन में कितना पूछा जा रहा है और कितना हमें उसमें टाइम देना है उसको पढ़ने के लिए रिवाइज करने के पढ़ना चाहिए और कॉस्टिंग uh, का क्या स्टडीज रहा आपका कॉस्टिंग में हाँ कॉस्टिंग में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया था थोड़ा सा ये हुआ कि इंस्टीट्यूट ने हमें के स्टडीज़ दी या पूरा एनालिटिकल बेस हमारा बनाने की कोशिश की एंड पूरा इंटरनेशनल लेवल पर लेके गया बट जो उसने पेपर पूछा इंस्टीट्यूट ने वो थोड़ा सिमिलर इट वॉज सिमिलर टू ओल्ड कोर्स न्यूमेरिकल्स पूछे गए एनालिसिस पार्ट बिल्कुल भी नहीं था जो कि थोड़ा मुझे लगता है अनफेयर था सो so, अभी मैं जो अपकमिंग अटैम्प्ट है तो मैं उनमें यही कहूँगी कि पहले ओल्ड कोर्स प्रिपेयर कर लो फिर न्यू कोर्स पे जाओ पर कैसे कर सकता है बच्चों ओल्ड सिलेबस पहले करेगा क्योंकि सर जो बेस रहता है जो न्यूमेरिकल पोर्शन रहता है अगर एक बार वो आ गया वो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग है नहीं जैसे मेरे को जितना सुनने में आया जितने बच्चे हाँ। ने बताया कहते पूरा का पूरा ही बदल गए ऐसा कुछ नहीं है सब बदल तो गया है अगर मॉड्यूल देखेंगे आप तो हंड्रेड परसेंट बदल गया है क्योंकि पहले हम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग पढ़ते थे हु अभी जो हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं जो आजकल के कॉर्पोरेट्स में अप्लाई हो रही है okay. प्रो में अप्लाई हो रही है okay. या इन्फोसिस ने अपलाई की है दे रखा है उनकी केस स्टडीज है बहुत अच्छी है बट से पूछा नहीं गया बट से पूछा नहीं गया ओके तो सेफर साइड पे रहने के आप थोड़ा सा जो जो टॉपिक्स अपने सिलेबस में है न्यू सिलेबस में उसको ओल्ड से भी रेफर करो और न्यू से तो करना ही है उसके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है बट ओल्ड से भी रेफर करके चलो बिकॉज okay. एक माइंड में वो बना रहे बिकॉज हमारे माइंड में उस समय था हम एनालिटिकल पूछा जाएगा mm -hmm. और पूरा एनालिसिस होगा पूरा थ्योरी बेस्ड पेपर होगा तो वो वैसा ना निकल के वो न्यूमेरिकल बेस्ड था तो वहाँ जाके थोड़ा डीमोटिवेशन ज़्यादा हो जाता है बिकॉज कॉस्टिंग के बाद मुझे बहुत डिमोटिवेशन हो गया था कि अब एग्जाम दूँ या ना दूँ बिकॉज आई कुड कैलकुलेट कि मेरे कितने आ रहे हैं ओके एंड बाई गॉड्स ग्रेस मैंने क्लियर कर लिया और उतने ही आए मुझे कोई बात नहीं <laughs> रैंक लेके आई हूँ भूलना बात इलेक्टिव पेपर का क्या आ? रहा कुछ तो इस इतने कन्फ्यूज है कहते स्टडी मैट हमें सेम नहीं मिलते स्टडी मैट मॉडिफाइड मिलते हैं बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है जो कि सिर्फ मुझे जो लगता है क्योंकि आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है मुझे लगता है एलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल को हटाए गए हैं और शायद आप तो कह रही हो ये भी नहीं हटाया गया सेम ही है हाँ, कुछ कुछ बहुत बेसिक सी चीजें वो नहीं हटाई गई उतना है। कर भी नहीं सकते सिंपल सी बात है तो वही देंगे स्टडी मैट सिंपल हम इतना कह सकते हैं जैसे है। मैंने कैपिटल मार्केट्स लिया था सो so, मेरे पास डायरेक्शन तो समय था नहीं कुछ तो मैंने एक बहुत बेसिक सा कॉमन सेंस यूज़ किया कि मॉड्यूल तो वो वही देने वाला है तो पहले तो मॉड्यूल समझ लो कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ प्लेस्ड है इंडेक्स तो रहेगा ही बुक में और कहाँ पे क्या चीज़ प्ले, प्लेसिंग समझना ज़रूरी है की कहाँ बिल्कुल करें? बिल्कुल जैसे मैं भी अभी उस टाइम तो खैर नहीं ले पाया था टाइम इतना थे नहीं था नहीं बट जो अभी हम लेने जा रहे हैं उसमें मैं अपना स्टडी मार्ट नहीं देने वाला जैसे हम हर में देते अपना बुक्स हाँ क्योंकि हाँ उसमें भी तो कोशिश करते स्टडी मार्ट ही कहीं सारा पोर्सन हाँ हो लेकिन इसमें तो बिल्कुल ही नहीं देना है क्योंकि आपको जब तक ये पता ना हो कि कौन सी पॉइंट्स किस किस पेज पे कहाँ लिखा गया है तो आप वहाँ पे ढूंढ नहीं पाओगे और अगर नहीं ढूंढ सकते कोई अगर वहाँ पे जाके तो लिखने का मतलब ही नहीं बनता है तो इसका मतलब है कि आपको सबसे ज़्यादा जान पहचान बढ़ाने स्टडी मार्ट स्टडी मार्ट हाँ उसको अगर कैजुअली भी तीन चार बार भी रीड कर लिया दो बार रीड बिकॉज एक रीडिंग में उसकी दस दिन जाएगा बहुत बोर हो जाओगे उसको रीड करके बिकॉज <laughs> वो बहुत थियोरिकल लगेगा देखने में बट जब सेकेंड टाइम उसको पिक करोगे रीड करने के तब आपको रियलाइज होगा वो लिखा जरूर थ्योरी है बट इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट आपसे एनालिटिकल क्वेश्चन कर रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अगर आपने हमारा एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देखा होगा सो इट वॉज नथिंग जस्ट बेसिक म्यूचुअल फंड क्वेश्चन उसने म्यूचुअल फ़ंड की बैलेंस शीट दे दी उस पर बेस्ड बेसिक क्वेश्चन पूछे सो so, मैंने क्या किया था एग्ज़ाम के जस्ट एक दिन पहले आई डोंट नो वाई इट स्ट्राइक मी मैंने एन एस सी खोल के थोड़ा सा म्यूचुअल फ़ंड्स को बस स्क्रोल किया था कि क्या है क्या वर्ड्स यूज हुए क्या है सो so, उससे मुझे काफ़ी कुछ हेल्प मिला था आइडेंटिफाई करने में और जैसे इसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन ही था कि कौन से टाइप का म्यूचुअल फ़ंड है तो अगर आपने थ्योरी अच्छे से उसकी रीड की होगी आपको समझ में आता हो कि तो लिंक है, बहुत है सर बहुत ज्यादा लिंक है okay. की हमने देख लिया एनएवी कैसे निकालते है और बाकी री इन्वेस्टमेंट कैसे होता है वही यही तो रीजन है कि हमने परचेज करके हमने कहा इन्वेस्ट कर रखा है क्या 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 रूट है कैसे हम म्यूचुअल फंड का यूनिट बाई कर सकते हैं

डी टी में भी कुछ छोटा छोटा जल्दी DT जल्दी DT से बता डी टी में ये था कि मेरा थोड़ा वीक पोर्शन था बट जिनका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है तो उनके लिए यही है कि आप या तो समरी प्रिपेयर कर लो जैसे थोड़ा 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 समरी प्रिपेयर कर लो वो बेस्ट पार्ट है उसका तो कोई अदरवाइज है ही नहीं कुछ सोल्यूशन या तो फिर अगर आपके पास टाइम कम है तो उसका आप एक काम करो जितने भी न्यूमेरिकल पार्ट रहता है उसका अपने हिसाब से एक फॉर्मेट रेडी कर लो कि मैं इस फॉर्मेट में क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ

आपको फील आएगा कि हाँ आप कुछ प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी उसके क्वेश्चन करके mm -hmm. कि आपको रियलाइज होगा जो आपने थियोरिटिकल पढ़ा है अभी तक वो एक्चुअली अप्लाई कैसे हो रहा है क्वेश्चन में मेन वो पार्ट है और आ, हमारे अटैम्प्ट में क्या हुआ था एक जो फर्स्ट क्वेश्चन था फोर्टीन मार्क्स का वो इंस्टीट्यूट के मटेरियल से एकदम एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड कॉपीड आया था अब रह गया लास्ट में आई डी टी जी एस टी इस पर भी कुछ बताया आई डी टी तो मुझे लगा कि बहुत ईजी जीएसटी तो काफ़ी इजी कर दिया है कस्टम्स तो मैंने बहुत अलग तरह से प्रिपेयर कर लिया था मेरा जब जी चल रहा था तभी मुझे टाइम नहीं होता था बिल्कुल भी सो mm -hmm. so, मैंने क्या किया कि मुझे लग रहा था कस्टम्स में उतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है सो so, मैं मॉर्निंग में जाने के पहले थोड़ा सा कस्टम्स पढ़ लेती थी mm -hmm. और आने के बाद थोड़ा दो तीन घंटा दो घंटा हार्डली आई थिंक मैं कस्टम्स पढ़ती थी सो so, उसमें ये था कि मेरा एक महीने में पूरा कस्टम्स धीमे धीमे करके हो गया और जी तो अपने में थोड़ा सा काफ़ी बड़ा है बट वो काफ़ी इंटरलिंक्ड है जैसे आपको सिर्फ सी जी एस टी पढ़ने की ज़रूरत है उसके बाद एस जी एस टी पढ़ने की जरूरत नहीं है एस जी एस टी में भी कुछ चीज़ है या कुछ अभी जी एस टी न्यू है अपकमिंग है सो आप आइडेंटिफाई कर लोगे पढ़ते पढ़ते कि अच्छा ओके इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करेगा इधर से क्वेश्चन और जितने भी उसके क्वेश्चन आ रहे हैं इंस्टीट्यूट के जो रिलीज़ कर रहे हैं वो सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है जैसे अभी थ्री मंथ्स बचे हुए हैं hmm. अगर आप कुछ आप अपने तरीके से कुछ बच्चों को एडवाइज़ कर पाए स्टूडेंट को जैसे सर ने आपको बताया मेरे पास टाइम कम था सो मैं अगर डेज वाइज जाती सो so, मुझे डिमोटिवेसन होता है कि मेरे बस बहुत कम दिन बचे हैं एंड आई हैड द ओनली ऑप्शन टू बी ऑप्टिमिस्टिक एट दैट टाइम बिकॉज कोई और ऑप्शन नहीं था तो अभी जैसे तीन महीने बचे हैं सो देर आर अराउंड एटी फाइव डेज इफ़ वी टेक फ्राम फर्स्ट ऑगस्ट टू ट्वेंटी फिफ्थ अक्टूबर दैट दैट मेक्स इट एटी फाइव डेज एंड अगर सब कुछ भी आप हटा लो मतलब बेसिक आपका छः घंटे करो उसका सोना एंड अदर देन दैट छः घंटा बेसिक काम सबसे बात करना या खाना या पीना कुछ भी पूरे ट्वेंटी फोर आवर्स में सो दैट विल कम टू अराउंड थाउजेंड आवर्स अप्रोसीमेटली अगर आप थाउजेंड आवर्स देख के चल रहे हो और आपके पास आर्ट सब्जेक्ट है दैट मीन्स आपने आर्ट सब्जेक्ट में हर एक सब्जेक्ट को सौ सौ घंटे देने चाहिए रिविजन के लिए फिर भी आप दो सौ घंटे बफर के साथ चल रहे हो एंड देन आपको ट्वेंटी फाइव अक्टूबर को भी अगर ये टारगेट अचीव होता है सिर्फ ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट अक्टूबर को भी अचीव होता है स्टिल आप यू आर अहेड ऑफ टाइम तो आप उस सौ घंटे को अपना प्रायोरिटाइज़ करो कि मैं दिन में कैसे करूँ सौ घंटे को यूटिलाइज़ आप उन घंटों को ब्रेक 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 करो पहले जैसे आपने हजार घंटे लिए उस हजार को फिर आप डेज में ब्रेक करो फिर उस उन डेज को आवर्स में वापस ब्रेक करो अगर आप सोचो तो वो बारह घंटे होता है पर पर डे डे ओके तो बारह घंटे तो हमारे लिए बहुत नॉर्मल सी है हाँ, फाइनल में बिल्कुल बारह घंटे भी तो पढ़ना नहीं होता बिकॉज टू आवर्स थ्री आवर्स उसके तीन हाँ, स्लॉट्स

आप कितना भी फ़ोन रख दो कितना भी कुछ डिस्ट्रैक्शन हटा लो बट ह्यूमन माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट होगा ही होगा तो अगर आप चार घंटा बैठोगे तो आप तीन घंटा ही इफेक्टिव करोगे और अपनी वीकनेसेस को मतलब थोड़ा एक्नॉलेज करके एक्सेप्ट भी करना पड़ता है उस टाइम पे बिकॉज सर एक टाइम था जब मैं प्रिपरेशन करते करते आई वॉज ऑन द लोएस्ट पॉइंट मुझे लग रहा था अब नहीं होगा और मुझे छोड़ देना चाहिए बिकॉज मैंने बहुत बड़ा ही रिस्क ले लिया कुछ बट देन आई गैदर्ड माई करेज ऑल माई करेज मैंने सोचा मैंने क्यों स्टार्ट किया था फिर मैंने ऐसे सोचा मैंने लिखा उस चीज़ को एक डायरी में कि मैंने क्यों स्टार्ट किया था मैं क्या सोच रही हूँ एंड एंड स्लीप ओवर इट द बेस्ट सोलूशन इज स्लीप ओवर इट एंड नेक्स्ट टाइम यू विल फील इनकेज और बताइए कुछ कुछ आपको लगेगा कुछ आपके उनके लिए एक, कुछ एक का मेरी डेली <coughs> हैबिट थी जो मैंने स्टार्टिंग से थोड़े की थी जैसा अभी तीन महीना है तो आप ये कर सकते हो दैट आई टू प्रिपेयर अ जर्नल मैं उसमें ये नहीं लिखती थी मैंने क्या किया कैसे किया ये सब नहीं मेरा ये रहता था कि आज मुझे कितना करना था मैंने उसमें से कितना किया मेरे वीक पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं जो मेरे हिसाब से मेरे वीक पॉइंट्स हैं कि जैसे मैं थोड़ा सा डिसिप्लिन नहीं है मेरे अंदर या मैं थोड़ा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही एकदम बेसिक जो भी आपको लगे बेसिक बिकॉज नो बडी इज़ गोइंग टू रीड दैट जर्नल एक्सेप्ट यू सो उसमें अशेम होने की ज़रूरत नहीं है आप एकदम ऑनेस्ट होकर उस चीज़ को लिखो एंड देन उससे ये फ़ायदा होगा जब आप नेक्स्ट डे वापस पढ़ने बैठोगे ना तो उस जर्नल को आप देखोगे तो आपको पता है कि मुझे अच्छा इस चीज़ पे वर्क करना है बिकॉज प्रेपरेशन के साथ साथ डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है बिल्कुल, बिल्कुल. बिना डायरेक्शन के आप पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे एट द्री मंथ्स मैंने पढ़ाई बहुत की है बट यूल नो वेयर मतलब कि तुम कहीं गए नहीं तुम कहीं पहुंचे नहीं और जितना पढ़ा वो है कि नहीं से अच्छा है, स्मार्ट सिटीजी है बहुत जरूरी है और इसको ट्रैक करते रहना जरूरी अपनी प्रोग्रेस को बहुत ट्रैक करते रहना जरूरी है तुमसे नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है जरूरी

सो दैट मैं नेक्स्ट टाइम जब भी उसको रिवाइज करूँ मैं इमीजिएट अटेंशन वहाँ पर जाए और मेरे दिमाग में क्लिक हो जाए कि मैं यहीं पर मिस्टेक कर रही हूँ बिकॉज पूरा क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं बिकॉज नाइन्टी परसेंट ऑफ द टाइम यही हाँ, होता बिल्कुल, है बिल्कुल, बिल्कुल। कि हम क्वेश्चन सही है करते हैं बट हमें समझ नहीं आता हम गलत कहाँ हो गए जैसे जिनके अटैम्प्ट अभी नहीं हैं या अभी अटैम्प आने वाले हैं या एक दो अटैम्प बाद है मे बी नवम्बर एटीन के बाद नवम्बर नाइनटीन है या उसके बाद के अटैम्प तो एक में सजेशन है मेरा बिकॉज uh, ऐसा मैंने किया था अपने टाइम पर मैंने पूरा फुल कैलेंडर बना लिया था तक का जब तक मैं लीव पे नहीं जा रही थी उसके पहले तक का मैंने पूरा फुल कैलेंडर चार्ट पेपर साइज अपने वॉल पे स्टिक किया था एंड मैंने हर एक दिन को फिगर आउट किया था कि मुझे कब लीव्स मिल सकती हूँ उसमें से या कब मैं लीव्स ले सकती हूँ कन्वीनियंटली विदाउट ऑफ एंडिंग एनी बॉडी सो मुझे ये एक माइंड में रफ प्लान था कि हाँ ये इतने इतने दिन मेरे पास खाली मिल जाएंगे मुझे सो so दैट मैं अपनी स्टडीज़ अकॉर्डिंगली प्लान कर पाऊँ प्री प्लान मेरा चलता था मैं हर चीज़ को पहले से प्लानिंग करने में बहुत बिलीव करती हूँ तो मैं प्लान करती रहती थी कि अगर ये हुआ तो मैं ये कर लूँगी फॉर एक्जाम्पल दिवाली हॉलीडेज़ हम जनरली घर चले जाते जो आउट स्टेशन रहते हैं एंड आई यूज़ टू स्टे इन मुंबई सो मुझे घर जाना रहता था सो so, मैंने पहले से प्लान कर लिया था एंड इन दैट ड्यूरेशन आई स्टडीड एंड आई डेंट गो होम आई वेंट होम ओनली फॉर जस्ट वन डे और टू डेज़ तो वो छोटे 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 सैक्रीफाइस करने पड़ते उस टाइम पे बट इट विल ऑल पास इट विल ऑल पास इन अ योर तो वो काउंट भी नहीं होंगे बाद में Uh, और आर्टिकलशिप uh, की जहाँ तक बात रही मतलब जिनका अटम्प्स अभी बाद में है या अभी उन्होंने नया नया फाइनल में आए हैं सो आई वुड सजेस्ट कि अभी से प्लान कर लो कि मई में, में और सितंबर में फॉर एग्जांपल ऑडिट में हो अगर जैसे आई वाज इन ऑडिट तो सितंबर या मई हमारा जनरली बहुत हेक्टिक जाता है सो दे इज नो पॉइंट कि हम उसमें उस मंथ्स उस में क्लास करें बिकॉज लीव भी नहीं मिलेगी एंड क्लास भी मिस होगा एंड देन डिप्रेशन आने लगता है अगर एक बार क्लास छूट गई तो उसको कूप अप करना बहुत डिफिकल्ट है।, है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है आई वाज इन्वॉल्वड इन अ लॉट ऑफ बिग असाइनमेंट्स और मैं ध्यान देती थी, थी उस चीज़ का कि कब उनका ड्यू डेट है या कब क्लाइंट को ज़रूरत है उस टाइम पे आर्टिकल्स की कब ज़रूरत है सो आई डिडंट डू दैट कि मैं अपने लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर दूं वर्क को बट आई जस्ट प्रायोरिटाइज्ड कि कहां पे मैं अपने को पर अपने ऊपर फोकस करूं सेकंड ईयर एंड में या सेकंड ईयर मिड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अपनी लाइफ को बैलेंस कर लें बिकॉज फर्स्ट वन पहले के डेढ़ साल आपको जितना सीखना था आप सीख ले सीख ले रहे हो और आगे भी आप सीख ही लोगे बिकॉज वो जो ड्यूरेशन है वो वापस नहीं आ पाएगा बेसिकली एग्ज़ाम डे की स्ट्रैटेजी आप एकदम अपने ठंडे दिमाग से जाओ वहाँ पे बिफोर एवरी एग्ज़ाम आई यूज़ टू स्टॉप स्टार्टिंग एट एलेवन ओ क्लॉक एंड आई यूज़ टू गो गो टू स्लीप फॉर वन आवर किसी एक टीचर ने मुझे बोला था कि जितने भी बड़े बिजनेस होते हैं या जो भी होते हैं जिनको डील्स करनी होती है बड़ी

और फिर स्टडी हो नहीं पाता है और ज्यादा स्ट्रेस और ज्यादा बीमारी बिल्कुल ठीक है उसी ऑल द बेस्ट आप बहुत so अच्छा sir. करो फ्यूचर में ठीक है ओके जी